आरा शहर के नवादा थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के समीप सोमवार की शाम बदमाशों ने ज्वेलर्स दुकान की शटर गिरा दुकानदार को बंधक बनाकर 6.5 लाख के जेवर लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए लुटेरे भाग निकले। इस घटना को लेकर आसपास के इलाके में सनसनी मच गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम करीब 3 की संख्या में हथियारबंद बदमाश शहर के सर्किट हाउस रोड स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स में पहुंचे, जिसके बाद बदमाशों ने दुकान का शटर गिराकर दुकानदार को बंधक बना दिया। इस दौरान बदमाशों ने तकरीबन 6.5 लाख के जेवर लूट लिए। घटना के बाद बदमाश पुनः शटर गिराकर हथियार लहराते हुए आराम से भाग निकले। इस घटना की जानकारी भुक्तभोगी दुकानदार पवन कुमार ने नवादा थाना को दी। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ पंकज कुमार रावत, डीआईयू चीता टीम एवं नवादा थाना के इंचार्ज संजीव कुमार अपने दल बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। दुकानदार पवन कुमार ने बताया, हम अपने ग्राहकों को ज्वेलरी दिखा रहे थे, तभी 3 की संख्या में हथियारबंद अपराधी ने दुकान में घुसकर पहले दुकान का शटर गिरा दिया, उसके बाद हथियार दिखाकर लूटपाट करना शुरू कर दिया। अपराधियों द्वारा लगभग 6.5 लाख का ज्वेलरी लूट लिया गया है। बताया जाता है कि दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरा पिछले कुछ दिनों से खराब था। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच हो रही है।